अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। फ्लिपकार्ट के नाम पर ठगी करने वाले 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। नवादा जिले के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर क्राइमरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के जद में जिले समेत राज्य और अंतर्राज्यीय गिरोह के कई साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी प्रदान करते हुए SP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि जिले में विगत कुछ दिनों से साइबर थाना को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न साइबर अपराधियों के बारे में सूचना दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि नवादा जिले के विभिन्न स्थानों पर साइबर क्राइमर इन दिनों कार्य में लगे हुए हैं। सूचना के बाद जिले के SP के निर्देश पर साइबर DSP सह साइबर थाना के थाना अध्यक्ष प्रिया ज्योति के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और अपराध कर्मियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। छापेमारी में जिले समेत राज्य और अंतर्राज्यीय के कई गिरोहों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जिले के विभिन्न स्थानों से साइबर गिरोह के 10 सदस्यों को मोबाइल तथा कस्टमर डाटा शीट के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। गिरफ्तार सभी लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है एवं उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भोले भाले लोगों से पहले सिम कार्ड खरीद करवाया जाता था, फिर उसी मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट बनवाया जाता था, फिर उनमें सिम कार्ड तथा बैंक अकाउंट और ATM लेकर साइबर अपराधियों को एक रकम पर बेच दिया जाता था। उसी सिम तथा अकाउंट नंबर का प्रयोग कर फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करने वाले कस्टमर को कॉल कर उनके पार्सल की ऑनलाइन भुगतान करने पर डिस्काउंट का प्रलोभन देकर पैसे की ठगी की जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्त में जिले के नरहट थाना क्षेत्र के बत्तल बीघा गाँव के स्वर्गीय रामाश्री सिंह के पुत्र दीपक कुमार, जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बकरिया गाँव के शैलेंद्र सिंह के पुत्र राजू रंजन, निशांत कुमार, जिले के वासिलन थाना क्षेत्र के कुंभी गांव के रामसागर सिंह के पुत्र अंकुश राज उर्फ आदित्य राज, जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव के धनंजय कुमार के पुत्र रवि रंजन कुमार उर्फ अंकित कुमार, झारखंड के कोडरमा जिले के सानी डिडेबुआ गांव के स्वर्गीय रामेश्वर राणा के पुत्र राजेंद्र राणा, नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के गिलानी गाँव के विजय प्रसाद के पुत्र अशोक कुमार, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के कादोडिया गाँव के बिजहारी महतो के पुत्र वीरेंद्र कुमार वर्मा, नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के शक्ति सराय के ओम प्रकाश पंडित के पुत्र धीरेन्द्र कुमार और नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव के पंकज सिंह के पुत्र सानू कुमार शामिल है। गिरफ्तार लोगों के पास से 33 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 50 ATM कार्ड, 40 बैंक पासबुक, 25 बैंक चेकबुक, 80 सिम कार्ड, 35 पेज का कस्टमर डाटा, नगद 95,000 रुपये एवं एक चारपहिया वाहन बरामद किया गया है। साइबर थाना के पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुनिए क्या कहते हैं नवादा SP एवं साइबर DSP। फ्लिपकार्ट के नाम पर मेजर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है, इसी संबंध में यू के द्वारा कुछ जानकारियाँ शेयर की गई थी, जिसपे DSP सह थाना अध्यक्ष साइबर थाना प्रिया जी के द्वारा काफ़ी काम किया गया उसमें और पूरे रैकेट का उद्घाटन किया गया इसमें। इसमें भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा था और लोगों से उनका अकाउंट लेकर, उनका फ़ोन नंबर लेकर लोगों को ठगने का कार्य चल रहा था। इस पूरे रैकेट में बहुत बढ़िया से काम करके साइबर थाना की टीम के द्वारा 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, साथ ही 33 मोबाइल और 95,000 रुपये, साथ ही में डेटा जो रहता है वो और ATM कार्ड, पासबुक वगैरह बरामद किए गए हैं। इस ठगी से जो बड़ा रिकॉर्ड चल रहा था उस चीज़ पे यहाँ पे लगाम लगेगी। इस पूरे प्रोसेस में करने के लिए जो इस तरह से लोग ठगी करते थे उसके लिए एक्सप्लेनेशन देंगी थानाध्यक्ष महोदय हैं उनसे। जी, EOU पटना के द्वारा हमें फ्लिपकार्ट के नाम पे ठगी करने वाले कुछ डेटा उपलब्ध करवाया गया, जिसपे हमने गहन छानबीन की तो हमें एक गिरोह का पता चला। हमने काफ़ी मेहनत करके पूरे गिरोह के सारे लोगों का पर्दाफाश किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग भोले भाले गरीब लोगों के अकाउंट्स एंड सिम जनरेट करवाते थे दलालों के द्वारा और उसको फिर ये नेक्स्ट लेवल में साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे। जैसे कि ये कोडरमा के, जनरली झारखंड कोडरमा के लोगों के अकाउंट्स बनवाते थे, गया से पूरा, इवन नवादा के भी लोगों के अकाउंट्स बनवाए हैं, उन्हीं के सिम बनवाते थे और उन दोनों चीज़ों को ATM के साथ साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे, जिस पे ये लोग पैसे मंगवाते थे। बाद में वो अकाउंट्स बंद हो जाते थे तो ATM सिम वगैरह ये लोग तोड़ के फेंक देते थे। इसमें हम लोग 10 लोगों को जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें दीपक कुमार पिता स्वर्गीय रामासी सिंह, यहाँ पत्तल बिगा थाना नाहट के हैं, ये स्पेशली ले आते थे आपके अकाउंट्स एंड सिम को। फिर राजू रंजन है,
पिता शैलेंद्र सिंह, ग्राम पकड़िया, थाना मुफस्सिल, नवादा। अंकुश राज, पिता रामसागर सिंह, ग्राम कुंभी, वारसलीगंज, नवादा। अंकुश का काम होता था अकाउंट्स को खरीदना, उन पे पैसे मंगवाना, ये अपने अंदर राजू रंजन को खटाते थे। देन रवि रंजन कुमार, जिनके पिता हैं धनंजय कुमार, नेपुरा, थाना काशी चेक, नवादा के हैं। निशांत कुमार, पिता शैलेंद्र सिंह, ग्राम पकड़िया, थाना नवादा, ये भी मिडिलवेयर का काम करते थे, जो अकाउंट्स में पैसे मंगवाते थे और उसके बाद उसका विड्रॉल करते थे। राजेंद्र राणा, पिता स्वर्गीय रामेश्वर राणा, ग्राम सानी, डीडे बुआ, जिला कोडरमा। एवं वीरेंद्र कुमार, पिता बिहारी महतो, ग्राम कादो डी, थाना मरकच्चो, कोडरमा, ये लोग वहाँ के गरीब लोगों से अकाउंट्स बनवाते थे जो नेक्स्ट लेवल पे ये देते थे। देन अशोक कुमार, पिता विजय प्रसाद, ग्राम गिलानी, थाना सारे, जिला नालंदा के हैं। ये शेखपुरा, नालंदा के और कुछ जगहों से और हिसुआ हमारे यहाँ से, वहाँ से लोगों को, उस एरिया को टारगेट करते थे, वहाँ के लोगों के अकाउंट्स एंड सिम निकालते थे ये। देन धीरेंद्र कुमार, पिता ओम प्रकाश पंडित, सकुची सराय, थाना गिरियक, जिला नवादा। ये मेन बीच के लेयर हैं जिनके पास से बहुत सारे अकाउंट्स एंड सिम एंड एटीएम कार्ड, ये सब जो फ्रॉड हैं वो हंड्रेड्स में मिले हैं धीरेंद्र कुमार। ये आगे जाके उसको ये 3,000 से 5,000 में खरीदते थे और आगे जाके 15,000 से 20,000 में एक एक अकाउंट एंड सिम को बेचते थे। देन सानू कुमार हैं, पिता पंकज सिंह, नेपुरा के हैं, काशी चक के, अपने नवादा जिला के। ये कॉलिंग करते थे, डेटा सीट उनके पास उपलब्ध है, डेटा सीट पे ये कॉलिंग करते थे लोगों को और फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन पैसे पे करने के लिए कहते थे। इनका लोगों को ठगने का तरीका ये होता था कि ये लोगों को कॉल करते थे और बोलते थे कि आप ऑनलाइन पे करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लोग इनके झांसे में आ जाते थे, पैसे पे कर देते थे। कुछ लोग जो पहले से ऑलरेडी पेड थे उनके पैसे, उन लोगों को ये कहते थे कि आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, अगर आप पहले पे कर देंगे तो आपको पैसे कम लगेंगे, तो फिर वो भी पे कर देते थे। इस तरह इनके पास से हमें काफ़ी ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड भी मिले हैं जो ये लाखों में करते थे। इनका एक अंकुश राज जो है, इनके घर से बहुत बहुत 80 लाख 70 लाख के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड भी मिले हैं इनके पास से। जैसा कि सर ने बताया, हमारे बरामद हुए हैं चीज़ें, मोबाइल 33, लैपटॉप 3, एटीएम कार्ड हैं 50, पासबुक 40, चेकबुक 25, सिम कार्ड 80, नगद 95,000 रुपये, चार पहिया एक गाड़ी है जो हमने अंकुश के पास से लिया है, और कस्टमर डेटा सीट है 35 पेज का जिसपे सारे लोगों का नाम, ईमेल आईडी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका फ़ोन नंबर और वो फ्लिपकार्ट पर उन्होंने क्या शॉपिंग की है, सारे डिटेल्स उपलब्ध हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी हम लोग नवादा जिले में ही जगह जगह से इनकी गिरफ्तारी की है। जी जी, सर के नेतृत्व में ये काम हुआ है। सर का स्पेशल फोकस है कि नवादा में रेड्स हों और नवादा से ये साइबर क्रिमिनल्स अपना काम बंद करें, तो इसमें हम फर्दर आगे भी काफ़ी काम करेंगे और ये हमारी आज के सर्जिकल स्ट्राइक आप जो समझिए।